हेलो फ्रेंड्स, समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया के अधिकांश देशों में टाइम मशीन बनाने की टेक्निक पर साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं। समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल का सबसे पहला उल्लेख सन 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन में मिलता है। इस किताब ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। सभी लोगों ने यह किताब पढ़ी और अचंभित हो गए। पहली बार टाइम मशीन की कल्पना की गई थी। इस टाइम ट्रेवल पर विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अभी तक टाइम ट्रेवल मात्र एक कल्पना है, जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्य एक समय से दूसरे समय में यात्रा कर सकता है और अपना भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देख सकता है, यानी कि अपना बीता हुआ समय और अपने आने वाले समय को भी वह देख सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि 2019 चल रहा हो तो मनुष्य सन 2000 या 2040 दोनों में जा सकता है। टाइम मशीन के अनुसार मनुष्य समय में आगे या पीछे दोनों तरफ जा सकेगा। अभी तक वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल को संभव नहीं बना पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे असंभव मानते हैं, लेकिन फिजिक्स क्वांटम के अनुसार समय यात्रा संभव है। अभी तक तो ये केवल कागजों या थ्योरेटिकल रूप में संभव है। कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि मनुष्य भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित करने में सफल रहेगा जिससे समय यात्रा संभव हो, क्योंकि आज से 200 साल पहले हमारे लिए एरोप्लेन मात्र एक कल्पना थी, लेकिन आज एरोप्लेन एक आम बात है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने स्पेस और टाइम को लेकर काफी कार्य किया है और थियोरिटिकली ऐसे सिद्धांत खोज निकाले हैं जो बताते हैं कि समय यात्रा संभव है। वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि जो समय बीत चुका है उसका दृश्य और ध्वनि हमारे इस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाती है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम समय में भी आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम समय में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया तो पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। वैज्ञानिकों का एक मत तो यह भी है कि भविष्य में जाकर समय में बदलाव संभव है, लेकिन जो समय बीत चुका है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। वैसे तो हमारी भारत की पौराणिक कथाओं में समय यात्रा संभव थी। वेद और पुराणों में टाइम ट्रेवल का उल्लेख है। उस समय भी बहुत सारे देवी देवता समय यात्रा करते थे। पहले ये धारणा थी कि समय निरपेक्ष और सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर एक सा समय है। जैसे पृथ्वी पर अगर 2 बजे हैं तो बृहस्पति ग्रह पर भी 2 बजे होंगे, पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत इसका खंडन करता है। इसके अनुसार समय अलग अलग है। यह सिद्धांत कहता है कि दो घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखने वाला किस गति पे जा रहा है। सन 1895 के उपन्यास के बाद लोगों में समय यात्रा को जानने की बहुत ही ज्यादा खलबली मची। कुछ हॉलीवुड फिल्मों ने तो समय यात्रा करने की जिज्ञासा को मनुष्य के चरम पर लाके रख दिया, और फिर मनुष्यों ने इसे बनाने के लिए यानी कि टाइम मशीन बनाने के लिए कुछ संभावित तरीके खोज निकाले। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें प्रकाश की गति पर ट्रेवल करना होगा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर होती है। इस गति पर ट्रेवल करने से हम बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा होगा। इसी को टाइम डायलेशन भी कहते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा समय उतना ही धीमा होगा। हमारे सर के मुकाबले हमारे पैरों पर समय धीमा होगा। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत शॉर्टकट तरीके से टाइम ट्रेवल करने की मान्यता भी देता है। इसी को वॉर्म होल्स भी कहते हैं। इस विधि में 1 अरब या उससे भी अधिक दूरी के बीच कुछ बिंदु पुल की तरह काम करते हैं। अमेरिकी भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक राव मैलेट का कहना है कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर यानी रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट्स का उपयोग किया जा सकता है। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री के द्वारा टाइम ट्रेवल संभव है। यह तो कोई नहीं जानता कि टाइम ट्रेवल कब संभव होगा, लेकिन जिस हिसाब से इस समय आधुनिक युग में वैज्ञानिक रोज नए आविष्कार कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा कर पाएं। हमें वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीज या एक ऐसी मशीन बना के दे दे जो समय में हमें आगे या पीछे दोनों तरफ ले जा सके। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में टाइम मशीन का बनना संभव हो। आज जो समय यात्रा की थ्योरी है, आने वाले समय में वो प्रैक्टिकली संभव हो। इस आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे डायमेंशन की खोज की है, और हो सकता है वैज्ञानिक किसी भी एक डायमेंशन के द्वारा हमें भविष्य में समय यात्रा करवाने में संभव हो। अगर दोस्तों
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करके फैला दीजिएगा।